नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने आज संयुक्त पत्रकार वार्ता कर प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर हमला किया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बीजेपी ने प्रदेश को बदनाम करने का ठेका ले रखा है, प्रवासी भारतीयों को बुलाकर उनके बैठने के लिए व्यवस्था नहीं की। शिवराज सिंह चौहान ने व्यापम घोटाले के बाद प्रवासियों के अपमान से दुनिया भर में प्रदेश की बेइज्जती कराई। सम्माननीय हमारे साथी वर्मा जी, पीयूष भाई, मिश्रा जी और हमारे दीप्ति सिंह जी, बिंदु जी और सुरेश जी और उपस्थित आप सब भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, मैं पहले तो मध्य प्रदेश के सरकार के मुखिया शिवराज सिंह जी के बारे में कहना चाहता हूं। मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास शिवराज सिंह जी से उठ चुका है। अब धीरे धीरे उनकी कार्यकर्ताओं का, शिवराज सिंह की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विश्वास भी शिवराज सिंह से उठ चुका है, क्योंकि सभी प्रदेश की जनता उनके पार्टी के नेता कार्यकर्ता समझ चुके हैं। अब शिवराज सिंह के सरकार के इन्हें चुने गुंदे गए, इसलिए पूरी तरह से शिवराज सिंह का अपमान करना, उनकी बेइज्जत करना और अनुशासन की धज्जियां उड़ाना उनके कार्यकर्ताओं का काम हो चुका है। जो आपको इंदौर में एनआई साथियों के जो भाग लेने आए थे उनको बुलाया था, उनका जो अपमान हुआ है, कार्यकर्ता बैठे हैं विदेश से आ गए लाखों रुपए खर्च करके, हमारे एनआरआई भाई बहने, मंत्री, महापौर, अनेक देशों के प्रधानमंत्री पधारे, उनके रजिस्ट्रेशन हुए और रजिस्ट्रेशन के बाद वो जो आए थे बाहर से उनको इन्वर्सल मीट समिट में शामिल नहीं होने दिया। बाहर खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरे, उन्होंने जाके सभी कुर्सियों पर मंच पर कब्जा कर लिया। जिनको बुलाया गया था वे बाहर भटकते रहे और शर्मनाक बात तो यहां तक हुई, जब उन्होंने अपने कार्ड दिखाए कि हमें बुलाया है, रजिस्ट्रेशन है, तो जिला प्रशासन के और उनके भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा आप टीवी लगी है बाहर देखिए, आपके लिए अंदर स्थान नहीं। अब जिन जिन का अपमान हुआ, जिन्होंने कहा, उनका पूरा डिटेल्स सज्जन भाई बताएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, इसका 5 ग्लोबल इन्वेस्टर्स से समिट की है, ये छठवीं थी, और उसमें आपने जाके विदेश में 9 की 9 में 7 में तो अपनी फोटो दिखाई, हाथ हिलाते हुए रोड शो किया। अब रोड शो इसका इन्वेस्टर आते हैं क्या? अमेरिका में, ब्रिटेन में, कई देशों में उन्होंने की, लेकिन कोई आए नहीं। केवल अपना सकल सूरत और सरकारी धन का अपव्यय करने के लिए और भ्रष्टाचार उसमें लूट करने के लिए, आधा पैसा खर्चे में दिखा के आधा खाओ। मोदी जी कहते हैं ना हम खाएंगे ना खाने देंगे, लेकिन ये पैसा क्यों खा रहा? 11,000 करोड़ रुपए करीब इन्होंने अभी तक इन्वेस्टर मीट में खर्च कर दिया, आने में, जाने में, उड़न खटोले में, हवाई यात्रा में ये खर्च किया। और निवेश कितना आया ये स्वयं विधानसभा के प्रश्न में, जो विधानसभा की कार्यवाही में हमें जो उत्तर मिले हैं उनमें 8,589,30,00,000 रुपए आया है अभी तक। और खर्चा कितना हुआ? लगभग 11,000 करोड़। ये हालत है। ये हमारे साथी कुणाल चौधरी के प्रश्न के उत्तर में जवाब विधानसभा में दिया है।
अब मैं कहना चाहता हूं इनके सभी के बाद आयोजन में केवल अभी तक 24,000 लोगों को करीब 8 वर्ष में के अंदर इनको रोजगार दिया गया है। शिवराज सिंह ने जो मध्य प्रदेश का जनता का अपमान किया, विदेश में मध्य प्रदेश की जो इज्जत थी, शान थी, वो उन्होंने उनकी इज्जत तार तार मध्य प्रदेश की इज्जत कर दी तमाम पूरे अपने भारत में और विदेश में। कहते हम स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे, जिस इसी प्रकार स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएगा। अब कोई आने जब आपके घर के लोग थे, ये भारतीय लोग जो अपने देश में आए थे और वो यहां से अपमान करा के गए, दुखी होकर गए, लाखों रुपए फूंक के गए, इससे देश विदेश में या पूरे देश विश्व में सोशल मीडिया और मीडिया पे जैसे खबरें जा रही हैं। अब कौन आपका इन्वेस्टर्स हिंदुस्तान में आएगा? इस तरह की जब बेइज्जती करा के गए हैं जो पूरे देश में फैली है, तो कहीं नहीं है। ये कहा जहां तक 2,117 हेक्टर जमीन इनके दी थी, कई लोगों से अमीर हुए, साइन हो गए, उसमें से 10% के अलावा किसी ने निवेश लाने के लिए, काम करने के लिए अपनी स्वीकृत बाद में नहीं दी। हमारे माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, बक्सवा हीरा खदान छतरपुर जिले की, उसमें हमारे भारत के ही एक बड़े उद्योगपति ने बात कर ली, एमओयू किया और तय किया क्या कमलनाथ जी ने, हीरा मिले जब मिले, टिम्बर लाइन है, हमें प्रतिवर्ष 20,000 करोड़ रुपए, 3 वर्ष में 60,000 करोड़ रुपए चाहिए, और उन्होंने स्वीकार किया और जाके पहली किस्त बातचीत हुई कि जमा 20,000 करोड़ जमा कर रहे हैं। तब तक माननीय शिवराज सिंह बोलते हम घोषणा पत्र की मशीनें घोषणाबाज आ गए, और उसके बाद उन्होंने बिरला जी की थी वो कदम, उनका तय हुआ तो उन्होंने कह दिया कृपा करो यहाँ लाओ, कमीशन पहले दो, लाइसेंस के दो, जमीन के दो, घर घर ठुकरा दे, हम चक्कर लगाए, हम आप पे विश्वास नहीं है, और उन्होंने अपना एग्रीमेंट नर्स करा दिया। अब इससे आगे किन किन देशों के क्या हुआ, इसके डिटेल्स में सज्जन भाई हमारे बैठे हुए, ये डिटेल्स बताएंगे। नहीं करता, मैंने बोल दिया। अरे मैं आपसे भी बात करना चाहता हूँ, जब मैं बार बार जब मैंने कह दिया है अखबार पर, आज इस विषय पर बातचीत है, विषय विषय चेंज मत कीजिएगा आप। आरोप आप आप आपको सुबह हमने उसका जवाब दे दिया है, आपने नहीं सुना तो अपने साथियों से सुन लेना। अभी समिट पर चर्चा होगी, विषयांतर मत कीजिएगा प्लीज। अरे उसका भी जवाब दे दिया मैंने। और आप जिनको ज्यादा शौक हो गोविंद सिंह के काले कारनामों के खोलने का, प्रदेश की जनता को, नेता को, मीडिया को, तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। वे हमारे भ्रष्टाचार काले कारनामे खोले, हम उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे और बढ़िया सी बढ़ाई भोपाल वाली मिठाई खिलाएंगे। धन्यवाद। छड़ी इन्वेस्टर में ये जवान जाते हैं, आदरणीय शिवराज जी बम्बई, अडानी और अम्बानी के घर पे जाके खड़े हो जाते हैं कि भैया मैं प्रणाम करता हूँ, तुम भले मेरे प्रदेश में इन्वेस्ट मत करना, लेकिन मेरे कार्यक्रम में आ जाना, जिससे मेरी शान बढ़ जाएगी। तो आप खुद गवाह हैं, छठवीं इन्वेस्टर मीट अडानी और अंबानी का कौन सा पैसा इन्वेस्ट हुआ है इस प्रदेश में, कहीं कोई योजना लेके आए हैं? लेकिन अपना महिमा मंडन के लिए उनके आगे हाथ जोड़ के खड़ा होना
एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को वहां के अखबारों ने छापा है, इतना अशोभनीय है। मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश नहीं, भारत की छवि दुनिया में खराब हुई है। ये इंटरनेशनल कार्यक्रम है, ये सिर्फ राष्ट्रीय कार्यक्रम इंदौर में नहीं हो रहा, तमाम देश के लोग आए हैं, जहां 70 देश के लोग आए, निश्चित रूप से वो अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है। पूरी दुनिया ने मध्य प्रदेश की सरकार का एक कृत्य देखा है, जहां प्रधानमंत्री भी आ रहा है, राष्ट्रपति भी आ रहे हैं, तमाम राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं। यदि मैं कमलनाथ जी की बात करना चाहता हूं, जब उन्होंने इन्वेस्टर मीट की थी इंदौर में, सवा साल की हमारी सरकार रही, 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया, एमओयू बहुत सारे साइन हुए, भी आप सुन लीजिए। क्योंकि सवा साल में सरकार गिर गई, तब उद्योगपतियों ने देखा कि ये तो एक अस्थिर राज्य है, यहां एमओयू कई निरस्त कर दिए गए। इन 18 साल से मुख्यमंत्री एक व्यक्ति, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है ही नहीं, और आप दुनिया के उद्योगपति को बुलाने आते हो तो भी लालीपॉप दे के चले जाते हैं, हाथ जोड़ के आदमी खड़ा हो जाए, मुख्यमंत्री तो पसीज जाता है कि चलो अपन कम से कम महाकाल लोग बन गया है, स्वच्छ भारत में चार पांच बार इनाम मिल गया, इंदौर को स्वच्छ इंदौर ये देख लेते हैं, महाकाल आसमें ओंकार कर दी। तो वो जिनको भारत की धरती से लगाव है लेकिन विदेशी हैं, वो लोग आ गए। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि कोई लच्छेदार बात ना करते हुए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ये एनआरए सम्मेलन भाजपा के छुट भाइयों का सम्मेलन बन के रह गया, और एक मुख्यमंत्री जिसे ना जापान में कोई जानता ना अमेरिका में, वो फ्रॉड रोड शो करके आ जाता है, और आज इतनी बुरी स्थिति में हम मध्य प्रदेश के लोग हैं, जिस मुख्यमंत्री की छोटा सा पार्षद भी नहीं सुनता, पार्षद लोग घुस गए, तो लंदन के उपमहापौर में उपमेयर वो बेचारे बाहर बैठे हैं, बड़े बड़े डिग्निटीज बाहर बैठी हैं, जिस व्यक्ति की उसके पार्षद ही नहीं सुन रहे हैं। तो मेरा एक कहना कि इस व्यक्ति को 2-3 दिन बाद खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए, इन्वेस्टर मीट भी कर ले, एनआरआई सम्मेलन भी कर ले, कम से कम हमारे प्रदेश और हमारे देश की छवि तो खराब ना हो। आपको मालूम है, आप मत बोलो, मैं जवाब देता हूं। गोविंद सिंह जी अविश्वास प्रस्ताव रखने के बाद मैं खुद गवाह हूं, मेरे सामने घर से फोन आया, गोविंद सिंह जी की माता जी की तबीयत बेहद खराब थी, हम सब ने उनसे अनुरोध किए, जाने को तैयार नहीं थे, मैंने डॉक्टर साहब आप चले जाइए, हम लोग बैठे दमदारी से, हम संभालेंगे, आप चिंता मत करो, हम लोगों ने रवाना किया। बात यह कि जो व्यक्ति एक डरपोक मुख्यमंत्री 2-3 दिन विधानसभा चलाता हो, उस विधानसभा में हम क्या कर लेंगे, क्या जनहित के मुद्दे उठा लेंगे, एक पलायनवादी मुख्यमंत्री इस प्रदेश में काम कर। एक बात ये कहना चाहूंगा आपसे, पहला आप मध्य प्रदेश के और देश का अविश्वास प्रस्ताव में क्या करना चाहिए विपक्ष की ड्यूटी है, मैं पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से और आपसे भी, क्या मुख्यमंत्री जी ने जो आरोप कांग्रेस पार्टी की ओर से मैंने और हमारे पार्टी के सभी साथियों ने लगाए थे, एक का भी जवाब दिया? लच्छेदार भाषण दो भाषण, जबकि जो आरोप लगाया अविश्वास प्रस्ताव से होता है सरकार की क्या क्या खामियां हैं, सरकार ने क्या क्या गलतियां की हैं, सरकार के कौन कौन सा सुधार करना चाहिए, इन सब बातों का उल्लेख विपक्ष ने किया। इसी प्रकार 2013 में जब अजय सिंह जी ने
अविश्वास रखा था। मैंने खुद लिखित भ्रष्टाचार पूर्व मंत्री एक महिला मंत्री पर लगाए थे, इसका एक भी जवाब नहीं दिया, जबकि लोक आयुक्त ने उन दोनों प्रकरणों को रजिस्टर्ड करके केस रजिस्टर्ड किया। एक मिनट, तो क्या मुख्यमंत्री अगर जवाब देते तो उनका भ्रष्टाचार प्रदेश की जनता में उजागर हो जाता? वो जरूर बात है, जब अविश्वास प्रस्ताव से संबंध नहीं थी, उनमें लच्छेदार भाषण दिए। हम घोषणा करते, मैं तो घोषणा की मशीन हूँ। अरे घोषणा की मशीन हो तो घोषणा सच्चाई करो ना, जो हमने मुद्दे उठाए आप लोगों ने एक ने भी इस बात प्रश्न को लगाया, जो सबने लिख दिया वही पूरा पढ़ा चला के लंबी चौड़ी। अविश्वास रक्षा अविश्वास फ्लॉप, अरे आप फ्लॉप कर दो, रिकॉर्ड तो नहीं करेगा फ्लॉप, हमने जगह जगह पढ़ा अखबारों में अविश्वास प्रस्ताव फ्लॉप हो गया। अरे कांग्रेस पार्टी का ये निश्चय हुआ था कि एनआरआई सम्मेलन और इन्वेस्टर मीट का हमको स्वागत करना है, और जो हमसे बन पड़े कमलनाथ जी के निर्देश थे कि उसमें मदद करना है। मुझे गर्व की अनुभूति हुई के मिश्रा जी भी उसी धरती पे, इंदौर भी जन्म लिए हैं, सज्जन वर्मा भी उसी धरती पे, हमारा सीना गर्व से बोला कि हमारे शहर को एनआरआई सम्मेलन की जवाबदारी मिली है, और इस बहाने इन्वेस्टर मीट में तमाम विदेश के उद्योगपति भी आएंगे, इन्वेस्टर मीट भी, दोनों चीज एक साथ ही। गर्व की अनुभूति होना स्वाभाविक है कि अपने शहर में इतने सारे मेहमान जो जन्मे जरूर भारत में लेकिन विदेश में जाके अपना कारोबार कर रहे हैं। और ये भी एक लाइन में कहना चाहूंगा कि लगभग 5,000 भारतीय प्रतिवर्ष विदेश जा रहे हैं छोड़ के भारत को, क्या आप आज का आर्टिकल भी थे। सवाल इस बात का है कि जब हम कैपेसिटी हमारी है ही नहीं, हम 6,000 लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं, उन लोगों के सामने दुनिया भर से लोग आए, जो दृश्य उपस्थित हुआ वो शर्मनाक दृश्य था। तीन नाम है मेरे सामने, जमैका से आए प्रशांत सिंह, यूएस से आई जूली जैन और यूके से आई वीना सिंह। ये तो उदाहरण के लिए तीन नाम हम आपको दे रहे हैं, जिन्होंने देश की मीडिया से चर्चा करते हुए अपनी पीड़ा व्यक्त की कि हम बड़े उत्साह के साथ भारत आए थे कि हमें भारत का सही चित्र देखने को मिलेगा, और जो चित्र उन्होंने देखा, डॉक्टर साहब ने बताया कि अधिकारियों ने कहा कि आपको देखना हो तो टीवी स्क्रीन लगी, आप बैठ के देख लीजिए। उनका कहना था कि हम टीवी स्क्रीन पे देखना होता, हम अपने देश में भी बैठ के देख सकते थे। मतलब ये जो एनआरआई सम्मेलन है, ये भारतीय जनता पार्टी के छुट भैया नेता भी उसमें हॉल में घुस गए और उसे भारतीय जनता पार्टी का सम्मेलन बना दिया। ये जब 5 इन्वेस्टर मीट फ्लॉप हो गई तो छठी की उम्मीद हम कैसे कर सकते हैं, ये एक यक्ष प्रश्न आपके हमारे सबके साथ। मुझे बिल्कुल वो डरा हुआ था, हमारा मुख्यमंत्री डरा हुआ था, उन्हें हाल भरेगा कि नहीं भरेगा, मैं इतने लोगों को बुला रहा हूँ, आएंगे कि नहीं आएंगे, तो पट्टा सब जगह न्योता दे आया। अब लोगों को तो अपने देश से लगाव था, जिनको अपने देश से लगाव था वो तो आएंगे, ये कल्पना शिवराज जी को नहीं थी, तो न्योता बांटा है कि हाल भर जाए खचा खच, वो स्थिति है। मुकेश देखिए, हम तो कहते हैं हमें गर्व की अनुभूति होती, एक भारतीय को
गर्व की अनुभूति होना चाहिए कि हमारे देश में G20 का इतना बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। मेरा अनुरोध है माननीय नरेंद्र मोदी साहब से कि ठोकर लग गई अब तो ठाकुर कहलाओ, मध्य प्रदेश के इंदौर में जो घटनाक्रम हुआ उससे सबक ले लो, कम से कम ये गलतियां उस जी सम्मेलन G20 के सम्मेलन में ना हो, हमारी साख वहां बचा लेना, यहाँ की क्षतिपूर्ति वहां कर।